लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हो रहा था? वो गुप्ता जी है ना? हाँ। उनकी बीबी है ना? गई? अरे नहीं, मैं गई थी उनके घर। मैम साहब, कान्हा जी ने आपकी सुन ली। अच्छा, साहब को अवार्ड मिलने वाला है। क्या बात कर रही है? देखो फोटो लो, मुझे दे। कान्हा जी, मैंने आज तक आपसे जो भी मांगा आपने मुझे दिया। आज भी इनको अवार्ड देकर आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अपनी मन्नत पूरी करने ना मंदिर जरूर आऊंगी। हाँ, ये आ गए, मैं जल्दी आऊंगी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि मल्होत्रा की बीवी उसे डिवोर्स देना चाहती है। अरे ये तो होना ही था। मैंने इतनी बार उसे समझाया कि अपनी बीवी को सर पर मत चढ़ा, मत चढ़ा, मत चढ़ा। अरे 20,000 का जूता खरीदो या 200 का, पहनना तो पैरों में ही पड़ता है ना, सर पर रख के तो नहीं घूम सकते। अच्छा ठीक है, शाम को क्लब में मिलते हैं, ओके? ये लीजिए जी पानी। तुम्हें कितनी बार कहा है, चाय या पानी ट्रे में लाया करो, ट्रे में। ओ, आप ग्लास पकड़ी, मैं भी ट्रे लेकर आता हूँ। रहो। आइंदा ख्याल रखना। जी। ये देखिए जी, मैगजीन में आपकी फोटो छपी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आए दिन किसी ना किसी मैगजीन में मेरी फोटो आते रहती है। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? हाँ साहब, खुशी की तो बात है ना, आपको अवार्ड मिले इसलिए मेम साहब ने कान्हा जी से मन्नत मांगी थी। कान्हा जी से कुछ मांगना ही था तो इसे कहो अपने लिए थोड़ी अकल मांगे। अवार्ड मुझे इसकी मन्नत की वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से मुझे मिल रहा है। हाय आरके। हेलो चांदनी, हाउ आर यू माय डार्लिंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो आपने दिया है। Congratulations for the award. Thank you, my dear. Thank you. I was very sure कि award आपको ही मिलने वाला है। तुम्हारी best wishes थी, तो मुझे award कैसे नहीं मिलता? हाँ? Congratulations once again. बोलो क्या पियोगी, ठंडा या गर्म? No no, अब तो पार्टी में शैंपेन ही पियोंगी। Sure sure. Okay, bye, see you. चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। So sweet of you. कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते, ये तो आप है जो उन पे शक नहीं करते। नहीं, दोनों साथ में काम करते हैं, ये दोस्त हैं उनके। हाँ? ये दोस्ताना आप नहीं समझोगी मैम साहब। अच्छा ठीक है ठीक है, तू जा अपना काम कर, बहुत बोलने लगी। जाती हूँ। या भाई संगीत तेरी कोई तरस नहीं। Congratulations dad for the award. Thank you. तुम बताओ तुम्हारा शेयर मार्केट कैसे चल रहा है? मार्केट तो ऊपर जा रहा है, सबका फायदा भी हो रहा है सिवाय मेरे। सुखी तो बेटा, ये धागा बांध ले तू, तेरा भी फायदा होगा। ये क्या है मॉम? मंगल की छाया दूर करने का उपाय। क्या? हाँ, ये धागा तू बांध लेना, तेरे हिस्से का उपवास है ना वो मैं कर लूंगी। ये धागा है ना बेटा, तेरा काम एकदम सफल करेगा। ला मैं बांध दूँ। मॉम, धागे से कोई आगे नहीं जाता, मेरे हिस्से का उपवास आप कर रही है ना? जी जरूर। तो ये धागा भी आप ही बांध लीजिए। व्हाट नॉनसेंस धागा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मशरूम एंड शिमला मिर्च की सब्जी माय फेवरेट। ये लो आस्था बेटी, ये फोन नंबर रख लो। किसका है? वो सीरियल वालों का है। किसका? वो सीरियल है ना खून की प्यासी बहू, उनकी नई सीरियल आने वाली है, मेरी सासू सबसे धांसू, वो तुझे रोल देने वाले हैं उसमें। पर मम्मी जी, मुझे फिल्मों में काम करना है, फिल्मों में, सीरियल्स में नहीं, समझे आप? सुकेतु प्लीज हैंडल हर। लेकिन बहू, आजकल लोग सीरियल से फिल्मों में जा रहे हैं। और अगर इसे फिल्मों से सीरियल में जाना हो तो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मॉम, समझो ना यार। मॉम मॉम। हाँ गार्गी। मॉम, ये किसकी फोटो मेरे रूम में रखी है? अरे ये सबरवाल जी का बेटा है, इससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। डैड, मॉम से मैं 100 बार बोल चुकी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी देखो ना। लेकिन बेटा, अब तुम 27 साल की हो गई हो और इस उम्र में तो तू मेरी गोद में थी। मैं अकेली नहीं थी मॉम, 2 और भी थे, और आगे से मेरी शादी का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। अरे अरे, लेकिन गार्गी, खाना तो खा कर जा बेटा। जी जी, रोकिए ना इसे, उसे कहिए ना कि खाना खा कर जाए। जरूरत क्या थी शादी की बात निकालने की, तुम उसकी जिंदगी में क्यों दखल देती हो? उसके बिना मॉम को चैन कहाँ मिलता है डैड, बिना मांगे सलाह मशवरा देने बैठ जाती है। या इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड डैडी जी प्लीज ट्राई एंड मेक हर अंडरस्टैंड कि जॉइंट फैमिली में भी सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है। चलो सुकेतु। अरे ऐसे भूखे मत उठो बेटा, खाना तो खाकर जा। खा
लेंगे अपने रूम में सुकून से। चलो सुकेतु। अरे सुकेतु बेटा समझाओ ना आस्था। मेरी समझ में नहीं आता तुम इनकी जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करती हो। अरे लेकिन मैं तो सिर्फ इनका भला चाहती हूँ जी, ये बच्चे हैं हमारे, खून है अपना। अरे खून है अपना तो क्या जिंदगी भर इनका खून पीते रहोगी? ये आज के जमाने के बच्चे हैं, ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, समझी? जिंदगी के गणित में हम सब 100 तक पहुंच गए और तुम वही के वही रह गई, शून्य, ब्लडी जीरो। तुम्हारा काम है किचन संभालना, तुम किचन संभालो, समझ गई? थैंक यू। कान्हा जी, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो जाती है, मैं अपने परिवार वालों को खुश ही नहीं कर पाती। रत्ना तो ऐसा कर, तू ये सब खाना गर्म करके ना सबको अपने अपने कमरे में पहुंचा देना, ठीक है? कोई भी भूखा सोए, ये अच्छी बात नहीं है। देखा देवा, मैम साहब इस घर का भला चाहती है लेकिन उनके जज्बात को कोई नहीं समझता। साहब को देख देख के बच्चे भी अपनी माँ का अपमान करने लगे। तेरी तो दो दो माए है ना, तो इस माँ की हालत तू कैसे देख सकता है? देवा, ये औरत तेरे मंदिर में रोज दिया जलाती है, उसकी जिंदगी से अंधकार को दूर कर देवा, दूर कर। हस्बैंड जी, डोंट टच माय बॉडी, न पागल कुर। रे आई आई, कौन है बाबा? आई आई, देवा। ये क्या हुआ रत्ना, क्यों चिल्ला रही है? मुझे पहचान ली? अरे मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी रे। I love you, Nani. मेरा बच्चा। I really missed you, Nani. मेरा बच्चा। सालों के बाद तेरी प्यारी छुपी मिली। याद है बचपन में जब मैं रोती थी या उदास होती थी तब भी तू मुझे ऐसी छुपी देता था। तुझे याद है वो सब कुछ? मुझे सब याद है नानी, तेरा प्यार, गुस्सा, तेरी हाथ का लड्डू और अचार, हिंदी पढ़ते वक्त मेरी कान मरोड़नी और किसी की नजर ना लगे इसी ये काला धागा पहना। अरे तूने अभी तक पहना है बेटा? पर तू रो क्यों रहा है नानी? तुझे इतने सालों बाद देखा ना इसलिए। आंसू पोंछ दे नानी, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मन बेटा, तुमसे पिछले हफ्ते तो बात हुई थी, तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ रहा है? अरे बता देती तो तेरे चेहरे पे ये सरप्राइज कैसे देखती? सरप्राइज? तूने तो मुझे शॉक दे दिया मेलिया। ए रत्ना, 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 I'm sorry. Hey, नानू, मामा, मामी, मासी, सब किधर है? Come on down, it's me, man. Hey, man, what a pleasant surprise, huh? What a pleasant surprise. Hey, नानू, hey, मासे, मामे, मामा, hey, नानू, कैसी है तू?
तूने अपनी हिंदी अभी तक नहीं सुधारी है? मैं प्रैक्टिस कर रही है, सुधर जाएगी यू नो। और ये तुम्हारे कपड़ों पे क्या हुआ? मैं रास्ते में से आ रहा था एयरपोर्ट से, तो गोल गोल मैंने टमकी फोड़ी। अरे टमकी नहीं, मटकी। मटकी फोड़ी। मुझे क्या पिक्चर्स मिले, आई टेल यू रियली फाइन पिक्चर। अरे हाँ, आज शाम को ना तुम मेरे साथ मंदिर चलना, तुझे और भी अच्छी तस्वीरें मिलेंगी। आज शाम को गोविंदा की पूजा है। तेरी पूजा, how dare you? किसी अनजान लड़की की फोटो कैसे खींच सकता है तू? ऐसे ही। You? Hey, that's an expensive camera. देखो चिप पर निकाला, निकालोगे तो वो। Hey, ये कैमरा चिप है। पर ये तो चिप नहीं। My pictures. Next time अगर तूने मेरी फोटोज खींची ना, तो तुझे भी मैं चुइंगम की तरह चबा जाऊंगी, याद रखना। Listen, I can get mean. I can also get very mean. What? ये क्या हो रहा है? भारती आंटी। अरे कुछ नहीं, मैं इस ब्यूटीफुल लड़की की फोटो ले रही थी, तो ये भड़क गया। और गाय जैसे घास चबाता है, वैसे मेरा कैमरा चिप चबा गई। नानी? क्या नानी? आप इसकी नानी हो? हाँ, यही तो है मेरा नवासा मन, जो अमेरिका में रहता है। मन? और ये रिया है, हमारी पड़ोस में रहती है, बड़ी प्यारी लड़की है। नानी, तू इस चिप चबाने वाले टेररिस्ट का नेबर कैसे हो सकता है? चुप। रिया, ये इंडियन हेरिटेज पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया है। या, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने आई है। हाँ। बनाने आई है? बस इसकी हिंदी सुधारनी है और इसे मुंबई घुमाना है, तू घुमा देगी ना? एनीथिंग फॉर यू भारती आंटी, मैं इसे मुंबई घुमा दूंगी। और इसकी हिंदी तो क्या, मैं इसे भी सुधार दूंगी। सॉरी, आई डिडंट गेट द लास्ट पार्ट। गुड।